बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के डॉलर और रियाल से अपडेट कर दूंगा जी मैं, यानी कि आज का जो एक्सचेंज रेट रहा। सबसे पहले आपको डॉलर रेट दिखा दूँ। यार हैरत हो रही है रोज़ बर रोज़ ये रेट देखने के बाद। आज भी ये हमारे इंटरबैंक का रेट है जी, देख लें आप। और यहाँ पर आपको देख रहा हो जी, एक्सचेंज रेट 232.93 रुपये था कल का, और आज हो चुका है 236.02 रुपये। तकरीबन 3 रुपए प्लस में आज महंगा हो चुका है, और कल भी 3 रुपए गालबन महंगा हुआ था, आज 3 रुपए प्लस में जा चुका है। ये रियाल की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में। अभी मैं आपको रियाल रेट दिखाता हूँ, एक्सचेंज रेट पहले आप देख लें जी, उसी हिसाब से रियाल भी छलांगे लगाता जा रहा है। अभी कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कल के पैसे अभी भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए, तो मेरा अभी मैं पिछले 6-7 दिन से यही तो बात बोल रहा हूँ, भाई रोक लें। अगर रोक सकते हैं आप तो रोक लें या रोक सकते हैं, तो मुराद ये है कि आपका भाई गुजारा होता है तो कुछ दिन सब्र कर लें, मज़ा लेंगे आप, यकीनन बात है। तो वही कुछ सामने आ रहा है, देख लें यहाँ पर 62.83 रुपये जी, ये 63 रुपए के करीब पहुँच चुका है रियाल का। एक्सचेंज रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से सुन लें। STC पे की बात करेंगे तो आपको 61.12 रुपये आज का रेट दिखाई देगा, और इसमें आपको 17 रियाल फीस देनी पड़ेगी। फौरी बैंक बैंक जजीरा की बात करें तो आपको 62.15 रुपये रेट मिलेगा, 10 रियाल फीस के साथ है। तहवील और राजी बैंक की बात करेंगे तो आपको 61.05 रुपये रेट दिखाई देगा, 10 रियाल फीस के साथ है जी। वेस्टर्न यूनियन के मुताबिक बात करेंगे तो आपको 61.30 रुपये रेट दिखाई देगा, और इनकी 23 रियाल फीस है जी। अगर बात करें मनीग्राम यानी कि मनीग्राम ANB बैंक के मुताबिक तो आपको 62.42 रुपये रेट मिलेगा, और 23 रियाल इनकी फीस होगी जी। टेलीमनी यानी कि ANB बैंक के मुताबिक बात करें तो आपको 61.17 रुपये रेट मिलेगा, और 15 रियाल इनकी फीस होगी। अगर बात करें इंजाज बैंक की तो इनका आज करें 61.17 रुपये, 10 रियाल, 17 रियाल एंड 23 रियाल फीस के साथ है। क्विक पे के मुताबिक बात करें तो आपको 61.26 रुपये रेट मिलेगा, और 10 रियाल, 17 रियाल फीस है। अभी बैंकों में भी 60+ में जा चुके हैं बैंकों के जो रेट हैं तमाम तर, और मुझे यकीन है जी कि जो हालात चल रहे हैं इस सूरत हाल को देखते हुए आने वाले एक वीक में ये 65 के करीब पहुंचेगा। बहरहाल जो भी रेट होगा आपको रोज़ अपडेट करता रहूँगा।